ज्ञानवापी परिसर में ब्यास जी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पूजा अर्चना हुई। गुरुवार तड़के मंगला आरती भी हुई। तहखाने में 30 साल बाद दीप जले। कोर्ट का आदेश आने के बाद रात में ही तहखाने से बैरिगेटिंग हटा दी गई थी। तड़के से ही पूजा के लिए लोग जुटने भी लगे। कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में पूजा की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि व्यास जी के तहखाने में अभी आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है। सिर्फ पुजारी को पूजा पाठ के समय आने जाने दिया जाएगा। देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी, जो भक्त जन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्त जन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। खुशी है कितने सालों बाद? नहीं, बहुत बहुत